रोहित शर्मा ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि कल था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का थर्ड T20 मैच और इंडिया ने इसे भी जीत लिया। क्या ही जबरदस्त मैच था कल का। पहले तो इंडिया ने 22 रन पे ही 4 विकेट गवा दिए थे, उसके बाद रोहित शर्मा और रिंकू सिंह की तरफ से क्या शानदार इनिंग देखने को मिली। रोहित शर्मा ने मारे 121 रन इन 69 बॉल्स, वही रिंकू सिंह ने मारे 69 रन इन 39 बॉल्स। लेकिन फिर सेकंड इनिंग में अफगानिस्तान की तरफ से भी अच्छी बैटिंग देखने को मिली, उन्होंने टाई कर दिया था मैच को और फिर सुपर ओवर हुआ था, वह भी टाई हो गया। उसके बाद फिर से एक और सुपर ओवर हुआ था, तब जाकर इंडिया फाइनली जीती थी। और ये मैच इतना लंबा हो गया था कि इट बिकेम द लॉन्गेस्ट T20 मैच इन द हिस्ट्री। और रोहित शर्मा ने अपनी शानदार पारी से आग लगा दिया था स्टेडियम। उन्होंने मेन मैच में मारे थे 121 रन और पहले सुपर ओवर में उन्होंने 13 रन बनाए और दूसरे सुपर ओवर में उन्होंने 11 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े, जैसे कि इंडियन मेंस कैप्टन के तौर पर सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा, T20 में सबसे ज्यादा 100 मारने का रिकॉर्ड तोड़ा, इंडिया के कप्तान के तौर पर T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा, इंडिया के कप्तान के तौर पर T20 में सबसे ज्यादा 50+ रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा, कप्तान के तौर पर T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा, इंडिया के कप्तान के तौर पर T20 में हाईएस्ट स्कोर बना डाला और वो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने T20 में सेंचुरी लगाई है।